So today we will study the unit 3, ठीक है, of emerging issues in human resource management, where a single topic mentioned, that is human resource accounting, ठीक है. So human resource accounting के अंदर दो तीन टॉपिक्स हैं. दैट इज द फर्स्ट वन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एंड देर आर द टू मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, नहीं सॉरी, मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. सो ये दो लास्ट के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे. अभी हम लोग इन जनरल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रीड करेंगे. सो बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, वॉट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग से क्या समझते हो? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अकाउंटिंग? मैम, अकाउंटिंग मतलब सीधे हिंदी में बोले तो लेखा जोखा ना, किसी चीज का मेजरमेंट करके उसका डेटा रेडी करना। ठीक है. सो बेसिकली आपका जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है, ये आपका क्या होता है, सिमिलर होता है योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है. सो क्या होता है, हम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट दिखाते हैं कंपनी का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट रिलेटेड टू द एसेट, लाइक आपका बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है, आपका अदर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, फंड्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है. सो ये टोटल आपका क्या होता है, अकाउंटिंग में दिखाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. सो इन द सेम वे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके स्किल को इन्हेंस करने के लिए, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए, ठीक है. एंड उन बेनिफिट से उनकी जो वर्किंग लाइफ है, ठीक है, उनका जो वर्क स्टाइल है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड वो वर्क स्टाइल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको किसी वैल्यू के टर्म में नहीं बता सकते, मनी वैल्यू या फिर पॉइंट, ठीक है, या स्केल या ग्रेड के बेसिस पे नहीं बता सकते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. सो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में इस सिमिलर लाइक योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स को एज अ एसेट कंसिडर करते हैं, एज अ कैपिटल कंसिडर करते हैं, नॉट एज एन एक्सपेंस, ठीक है. उसको हम लोग एसेट जैसा कंसिडर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते थे वैसे ही. एंड उनका जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ देयर इन्हेंस्ड स्किल, देयर एबिलिटी टू डू द वर्क, देयर नॉलेज लेवल, ठीक है, एंड अदर जो भी इन्हेंसमेंट होगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. एंड ये जो होता है, वो टाइम टू टाइम किया जाता है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लाइक जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, लास्ट में आपका बैलेंस शीट क्रिएट होता है, फिर बैलेंस शीट को हम लोग टैली करते हैं, चेक करते हैं इन एन एवरी ईयर. इन द सेम वे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड में होता है, वी कैन से एनुअली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स, वट वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनल, ठीक है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे वर्क कर रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. सो इसका डेफिनेशन क्या है, विच इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग सोसाइटी, दैट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग द डेटा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. सो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगी, यहाँ पे हमारे सीईओ या एमडी, ठीक है, या जो भी हायर लेवल पे होते हैं क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, जिनको क्या होता है, इस जो भी डेटा निकला है, इन डेटा से लेके उनको क्या करना है, उनको एचआर रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो क्या करते हैं हम, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं डेटा रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, एंड उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फिर हम लोग एक जगह गैदर करते हैं, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट निकालते हैं या फिर कोई मेजरमेंट निकालते हैं, एंड उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू द पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज को, जिनको उस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डेटा की जरूरत है. नाउ नेक्स्ट इज दैट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिफर्स टू द मेथड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द रूपी वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट इन कंपनीज बैलेंस शीट. सो अल्टीमेटली क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड डेटा होता है, उस डेटा को हम लोग एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जो क्या होता है, रूपी फॉर्मेट में होता है, कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एंड उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस में हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है. सो क्या, जो हमारा आउटपुट है, उसको हम लोग रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपनी की बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं. एंड ह्यूमन रिसोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुडविल. सो क्या क्या आइडेंटिफाई होता है ह्यूमन रिसोर्स में, उसकी वैल्यू,
ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है फर्म की एंड ऑर्गेनाइजेशन की, एंड द वैल्यू ऑफ कस्टमर गुडविल, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपका मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट, रिक्रूटमेंट का कॉस्ट, सिलेक्शन का कॉस्ट, ट्रेनिंग का कॉस्ट, प्लेसमेंट का, डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, हायर करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, एंड देन उनको फाइनली उनके जो पोजिशन है या पोस्ट में उनको प्लेस करना। तो इन सारी चीज़ों में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो सारे कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं अंडर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। सो बैलेंस शीट जो थी आपके, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता करंट वैल्यू ऑफ कंपनीज ह्यूमन एसेट की। ह्यूमन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ह्यूमन एसेट है, या वी कैन से एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं, उनके पास टोटल कितनी लाइक स्किल एबिलिटी नॉलेज है, उस नॉलेज या फिर एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एसेट, उसको हम क्या कर सकते हैं इसमें बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस डज नॉट शो द ट्रू एंड द फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनीज ओवरऑल एक्टिविटीज। सो विद व्हेन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रीडली प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंजिबल एसेट। क्या क्या होता है टेंजिबल एसेट में, लाइक होता है आपका प्लांट होता है, मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता है कि आप इंप्लॉयज के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड उस इन्वेस्टमेंट से हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, इंप्लॉयज में आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाया गया है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और दैट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग, ठीक है। सेम है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं, फॉर दिस इज यूटिलाइज फॉर द मेजरमेंट एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू, कि उसके ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है एंड उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स की कितनी वैल्यू है ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इज टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। हमारा मेन एम तो यही है कि हम लोग कितना बेटर तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर वर्क कर रहे हैं उनको हम लोग इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। एंड जो भी हमको इन्फॉर्मेशन नीड है एक्वायर करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, एलोकेट करने के लिए, ठीक है, उनको यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, एंड उनको ऑल्सो रिवॉर्ड करने के लिए डेटा, ठीक है। सो दिस विल जनरली एक्ट एज अ फीडबैक, ठीक है, फीडबैक फॉर खुद के परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक के जैसा भी काम करता है एचआरए, ठीक है। नाउ लेट अस रीड द फ्यू ऑब्जेक्टिव, दैट इज इट विल फर्निश द कॉस्ट एंड वैल्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने पहले बताया कि कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है एचआर में एंड कितनी उनकी वैल्यू है फॉर मेकिंग द मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट एक्वायरिंग, एलोकेटिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू अटेन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, इट अलाउज द मैनेजमेंट पर्सनल टू मॉनिटर इफेक्टिवली द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो मैंने पहले ही बताया दो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज द इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कितना हम इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द इफेक्टिव बेसिस फॉर द ह्यूमन एसेट कंट्रोल एंड वेदर द एसेट इज एप्रिसिएटेड, डिप्लीटेड और कंजर्व्ड, ठीक है, कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बना सकते हैं कि उनका जो एसेट की वैल्यू है, जो ह्यूमन रिसोर्स एसेट है, उनकी वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है या कंजर्व्ड हो रही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे, उनको स्किल इम्पार्ट करोगे, उनको कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, सो उससे क्या होगा, उनकी वैल्यू, उनकी उनका जो एसेट की वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगी रेदर देन डिप्लीटिंग। बट समटाइम्स डिप्लीट भी होती है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी जिनकी जो वैल्यू है बाय द टाइम डिप्लीट होती जाती है, ठीक है। सो ऐसे एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एचआरए इज टू प्रोवाइड द इफेक्टिव मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग। सो अल्टीमेटली जो एचआरए से रिलेटेड हम जो मेजरमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है, रिपोर्ट्स होता है, वो कहाँ जाता है, हायर लेवल एग्जीक्यूटिव के पास। सो हायर लेवल एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस रिपोर्ट के बेसिस पे अपना कुछ डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन, डिसीजन रिलेटेड टू द एचआर पॉलिसीज, ठीक है, एचआर पॉलिसीज बनाएंगे, एचआर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, एंड ऑल्सो उनको जो भी अदर लाइक बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है एचआर को, उससे रिलेटेड डिसीजंस वो लेते हैं।
नेक्स्ट और भी है ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को क्या करते हैं के थ्रू हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की जो को की का जो वैल्यू है उसको मेजर कर सकते हैं टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कन्वेंशनल अकाउंटिंग. सो एचआर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे पास कोई कन्वेंशनल मेथड नहीं था कि हम एचआर की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकें. नेक्स्ट इज द नो रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन एसेट, बिकॉज जनरली हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो सिर्फ क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, एचआर अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एसेट की अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है. सो नो बैलेंस शीट ऑफ एचआर एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो अल्टीमेटली जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डेटा होता है उसको हम लोग फाइनेंशियली जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट होता है उसमें हम पुट कर सकते हैं, पहले हम नहीं कर सकते थे बिफोर एचआरए. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑफ एच आर कैन बी कैपिटलाइज एंड कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट, ये मैंने पहले ही बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था. नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द एच आर एसेट कैन अफेक्ट द बार्गनिंग पावर. सो अल्टीमेटली एच आर के पास मोर स्किल्ड है. ठीक है, एच आर जो है आपके जो इम्प्लॉयज हैं वो मोर स्किल्ड है, मोर उनके पास नॉलेज आ गया है और भी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं. सो अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन द बार्गनिंग पावर ऑफ इम्प्लॉयज. ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, बार्गनिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू द सैलरी, रिलेटेड टू द इंसेंटिव, रिलेटेड टू द बेनिफिट्स. ठीक है, या जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड वो बार्गेन कर सकते हैं विद द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज पब्लिश एच आर ए फिगर कुड अफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज. एच आर ए की जो फिगर पब्लिश होती है वो एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज को अफेक्ट करता है. अल्टीमेटली यू नो कि द पर्सन और द एम्प्लॉयज हु हैव समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेडली और वी कैन से कुछ अच्छा कुछ बेटर होता है उनके पास, सो दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट देयर एटीट्यूड. ठीक है, सो सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एच आर ए. नेक्स्ट टॉपिक इज द बेनिफिट बेनिफिट्स और वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ एच आर ए. सो एच आर ए जो होता है अल्टीमेटली हेल्प करता है इन नोइंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एच आर एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कॉस्ट में. फर्स्ट वन इज हम उस एच आर को डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको हम वी कैन कैलकुलेट, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर की अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है छोड़ करके चला जाता है तो उसके रिलेटेड हमको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है. बिकॉज अल्टीमेटली कोई लेबर या एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करता है तो उसके बदले में क्या होता है आपको एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है. एंड हायर करने के साथ ही साथ उसको आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन उनका ट्रेनिंग ठीक है उससे रिलेटेड फिर उनको आपको उस लायक स्किल देनी पड़ती है, उस लायक ट्रेनिंग देना पड़ता है कि जो आप जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके गया था उसकी जगह में वो एम्प्लॉय उसको रिप्लेस कर सके. ठीक है, सो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एच आर कैन बी कम्पेयर्ड विद द बेनिफिट्स एंड रिजल्ट. बेसिकली आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है अपने एच आर को डेवलप करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको डेवलपमेंट दे रहे हैं, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको अदर हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं. सो अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टमेंट किया आपने एच आर के ऊपर, क्या वो बेनिफिट दे रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो रिजल्ट ड्रिवन है, क्या वो रिजल्ट दे रहा है अल्टीमेटली आइदर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस, किसी भी फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली वेन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एच आर इज टेकन इन टू अकाउंट. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज यू ऑल नो फाइनेंशियल टर्म है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके उसके बेसिस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है. सो ये जो होता है कैलकुलेट होता है थ्रू एच आर ए. सो दिस विल हेल्प इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी. सो मैंने पहले ही बताया कि जो भी एच आर ए से रिलेटेड रिपोर्ट होता है, मेजरमेंट होता है, डेटा होता है, वो कहाँ जाता है, हायर लेवल एग्जीक्यूटिव के पास. सो हायर लेवल एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, फिर प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल पॉलिसीज, उसको प्लान भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं. नेक्स्ट वन, दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज, सो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स द फॉल्टी वैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. ठीक है, दिस मीन्स दैट कि आपका जो वैल्यूएशन है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का वो जो होता है एक्यूरेटली मेजर हो सकता है विद द यूज ऑफ एच आर. बिकॉज हम फाइनेंशियली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हम फाइनेंशियल डेटा मेजर कर सकते हैं कि आपका एसेट क्या है, आपका कैपिटल क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपको फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ अपनी लाइबिलिटीज है उसको पे करनी है. बट एच आर जो है, एच आर के पास भी बहुत सारी स्किल्स हैं. ठीक है, उनका भी तो वैल्यूएशन करना जरूरी है. सो अल्टीमेटली जो रियल फिगर देता है वो एच आर ए ही देता है. एच आर ए को ही ऐड करने के बाद आपको रियल फिगर मिलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स की वैल्यू का. नेक्स्ट इज दिस विज फैसिलिटेट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ चॉइस ऑफ इंटरप्राइज टू इन्वेस्ट. सो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के पास क्या होता है कि फाइनली डेटा मिल जाता है उनको कि हमको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड उस इन्वेस्टमेंट से फाइनली हमको प्रॉफिट मिलेगा या फिर जो भी लॉस है वो होगा. वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं. एंड दिस विल प्रोवाइड द फीडबैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो अल्टीमेटली मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो होता है वो क्या करता है, फीडबैक की जैसा वर्क करता है फॉर द एम्प्लॉयज.
नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सो द डिस्पोजिशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन ऑल्सो भी एग्जामिन बाय एलोकेटिंग द रिलेटिव ह्यूमन एसेट वैल्यू टू द डिफरेंट जॉब ग्रेड. हम क्या करते हैं जनरली जॉब ग्रेड्स की जो भी वैल्यू होती है डायरेक्टली असाइन कर देते हैं, बट एचआरए में ऐसा नहीं होता है. एचआरए में क्या करते हैं, हम लोग एलोकेट करते हैं रिलेटिव ह्यूमन एसेट वैल्यू, कि एक एक जो वर्क है या एक ह्यूमन रिसोर्स है उसके रिलेटिव रिलेटिव में दूसरा ह्यूमन रिसोर्स कितना बेटर उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है या कितना बेटर उस ग्रेड में है. सो ये होता है रिलेटिव असाइनमेंट होता है. एंड एचआरए आल्सो हेल्प्स इन एग्जामिन द एक्सपेंडिचर. कौन कौन से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल कि आप इंप्लॉयज के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इन री अप्रेजल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस एंड ट्रेनिंग कि आप आपके पास जो पर्सनल है उनके ऊपर आप कितना खर्च कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आप अपने अपने इंप्लॉयज के अप्रेजल के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं कि उनको आप सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है. एंड इट विल सर्व एज अ की फैक्टर इन केस ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली मर्जर या टेक ओवर होता है तो सिर्फ कंपनीज का नहीं होता है, कंपनी के जो इम्प्लॉयज होते हैं वो भी मर्ज होते हैं विद द जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको एक्वायर कर रहा है, मर्ज कर रहा है या टेक ओवर कर रहा है. सो क्या होता है, ये जो होता है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको मर्जर या टेक ओवर से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एचआरए हेल्प्स इन क्रिएटिंग द गुडविल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. गुडविल फॉर अ कंपनी क्रिएट करता है, एंड दिस विल प्रोजेक्ट इटसेल्फ टू हैविंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द सुपीरियर पॉलिसीज इन प्लेस. मींस बेसिकली गुडविल, एज यू ऑल नो, जो आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, सो गुडविल बिल्ड करने के लिए काम करता है एचआरए. एंड एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दिस मे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टमेंट. जो हमने यहाँ पढ़ा दैट दिस विल प्रोवाइड द फीडबैक फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है. इन्वेस्टर्स को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन या फीडबैक प्रोवाइड करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैल्यू है एंड क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारे डिसीजन इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ एचआरए. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कि हम लोग मनी वैल्यू कैसे असाइन करें टू द डिफरेंट एचआर की जो भी चल रही है, ठीक है. हमको कॉस्ट में कैसे मेजर करें, ठीक है. सो दिस कैन बी डन थ्रू 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 टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज द कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग, एचआरसीए. कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि एक एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने, ट्रेन करने और फाइनली उसके उसके पोजीशन में प्लेस करने के लिए कितना कॉस्ट ऑकर हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज नोन एज अ कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है. द कॉस्ट अप्रोच विच इन्वॉल्व्स द मेथड बेस्ड ऑन द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी विद रिगार्ड्स टू द एम्प्लॉय, कि एक कंपनी किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है, उनको उनको रिक्रूट करने, ट्रेन करने, प्लेस करने में टोटल कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज अ वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग, दैट इज एचआरवीए. सो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग उनकी इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो द इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच विच इंक्लूड्स द मेथड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनीज गेन. तो कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कंपनी जो है एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने, उनको ट्रेन करने और उनको फाइनली उनके पोजीशन में प्लेस करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर होता है, तो वो होता है कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस. बट वैल्यू बेस्ड एनालिसिस में क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे एम्प्लॉय रिक्रूट हो चुके हैं उनके पास कितना स्किल है, कितना वैल्यू स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट एम्प्लॉय, एंड उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं टू योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और वी कैन से जो हमारा बजट है, सॉरी क्या है, बैलेंस शीट है उसमें, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें. सो दिस आर द टू मेथड्स. सो फर्स्ट मेथड दैट इज मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन. सो अंडर दिस दो मेथड होते हैं, एक होता है मॉनिटरी मेथड जहाँ पे क्या करते हैं, हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फाइनली कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज अ नॉन मॉनिटरी मेथड जिसमें हम लोग मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या फिर ग्रेड्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. सो मॉनिटरी टर्म्स में है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, एसेट मल्टीप्लायर मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, ठीक है. एंड नॉन मॉनिटरी में आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है. एंड आपका जो मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपका जो फर्स्ट मेथड था दैट इज कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस. तो कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस में जो होते हैं आपके फोर मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज द रेशियो एनालिसिस, थर्ड वन इज अ पर्सनल प्रोडक्टिविटी, एंड द फोर्थ वन इज अ पर्सनल रिपोर्ट एंड बजट, ठीक है. सो ये सारे मेथड्स है, आई थिंक हम लोग ये सारे जो हैं हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द क्वाइट लेंदी और आज वो फिनिश भी नहीं हो पाएगा.
ओके।